हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम अपना सेकेंड टर्म इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 9, बुद्धा। ऑलमोस्ट 25,000 ईयर्स एगो देयर वॉज अ ग्रेट सेलिब्रेशन इन कपिलवस्तु, अ स्मॉल किंगडम इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। आज से तकरीबन 25,000 ईयर्स पहले की ये बात है, हिमालयस के फुट हिल्स में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था कपिलवस्तु, जिसमें एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन की जा रही थी। अ चाइल्ड हैड बीन बॉर्न टू द किंग एंड क्वीन ऑफ कपिलवस्तु, सुदोधन एंड माया। कपिलवस्तु के जो राजा और रानी थे, जिनका नाम था सुदोधन और माया, उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था। He was the first child born to the royal couple and someday he would inherit the kingdom. वो उन राजा और रानी की पहली संतान थी जिसको कुछ समय बाद ये राज्य सौंप दिया जाएगा। After much thinking, the king announced, I shall call my son Siddharth Gautam. कुछ देर सोचने के बाद राजा ने ये अनाउंस किया कि मैं अपने बेटे को सिद्धार्थ गौतम के नाम से पुकारूंगा। एट दैट टाइम अ फेमस सीयर वॉज विजिटिंग कपिलवस्तु, उस समय एक बहुत ही महान साधु कपिलवस्तु में आए थे, उनके राज्य में आए हुए थे। द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू ब्लेस द लिटिल प्रिंस, राजा ने उनको अपने छोटे से राजकुमार को आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए अपने राज्य में बुलाया। When the seer saw Siddharth Gautam, he was delighted. जब उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को देखा तो वो बहुत ही खुश हुए। He told the king, this child will achieve great things. उन्होंने राजा को बताया कि ये जो आपका बच्चा है, ये बहुत ही महान चीज़ें पाएगा, उसको बहुत ही सक्सेस मिलेगी। He will either become a mighty ruler or he will renounce the world to become a great monk. उन्होंने कहा, उस साधु ने कहा कि या तो ये एक बहुत ही महान राजा बनेगा और या फिर ये पूरी दुनिया को एक महान संत बनने का लेसन देगा। सुदोधन वॉज ट्रबल्ड व्हेन ही हर्ड दीज वर्ड्स, अब सुदोधन ने जब ये शब्द सुने तो वो बहुत ही परेशान हुआ। ही वॉन्टेड हिज सन टू बिकम अ किंग लाइक हिम, वो चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह ही राजा बने। The thought of the little boy growing up to become a humble sage begging for his livelihood upset him. अब इस बात का ख्याल भी उसे परेशान कर रहा था कि उसका बेटा, जो कि एक राजा बनना चाहिए था, वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताने के लिए भी, अपना खाना खाने के लिए भी साधु महात्माओं की तरह भिक्षा मांगेगा, ये विचार भी उसे बहुत परेशान कर रहा था। This must never happen, he told to himself. और उसने अपने आप से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। I must make my son so happy that he will never want to leave the kingdom. उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को इतना खुश रखूँगा कि वो कभी भी इस राज्य को छोड़कर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सिद्धार्थ grew up to be a very gifted child. अब सिद्धार्थ जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसकी जो परवरिश थी वो बहुत ही अच्छी हो रही थी। एंड ही क्विकली मास्टर्ड एवरीथिंग दैट ही वॉज टॉट, और जो कुछ भी उसे सिखाया जाता था वो जल्दी ही सीख जाता था। हिज फादर गेव हिम एवरी लग्जरी दैट द किंगडम कुड एफोर्ड, उसके फादर जो थे वो उसे हर सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे जो वो दे सकते थे। बट ही रिमेंड अ क्वाइट चाइल्ड, पर फिर भी वो एक चुपचाप रहने वाला बच्चा ही रहा। Always lost in his thoughts, जो कि हर समय अपने ही विचारों में खोया रहता था। One of his cousins, Devdutt, was very jealous of the way everyone lavished praise on the young prince. और उसका एक cousin था Devdutt, जो कि उससे बहुत ही ईर्ष्या रखता था। He did many cruel things to hurt the gentle prince. और वो उसको सिद्धार्थ को hurt करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए बहुत ही क्रूअल थिंग्स, गंदी गंदी चीज़ें करता रहता था जिससे कि वो परेशान हो जाए। वन डे देवदत्त पिक्ड अप अ बो एंड एरो, एक दिन देवदत्त ने क्या किया, अपना धनुष और तीर उठाए एंड शॉट अ फ्लाइंग स्वैन, और उसने एक उड़ते हुए स्वैन को शॉट किया, मीन्स उसे मारा, उसका निशाना लगाया। ही वॉन्टेड टू शो एवरीबडी वट अ गुड मार्कमैन ही वॉज, और वो क्या दिखाना चाहता था कि मैं बहुत ही अच्छा
निशानेबाज हूँ। इन दोज डेज इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यंग चिल्ड्रन ऑफ रॉयल फैमिलीज़ टू लर्न हंटिंग एंड शूटिंग। ये उस समय की बात है जब रॉयल फैमिलीज़ के जो बच्चे हुआ करते थे वो शिकार बहुत ही अच्छा करते थे। उनको ये ज़रूरी था कि उनको शिकार करना आना चाहिए, उनको निशाना लगाना आना चाहिए। द स्वैन फेल डाउन ऑन टू द ग्राउंड एंड फ्लटर्ड इट्स विंग्स इन पेन। वो जो स्वैन जिसको उसने मारा था देवदत्त ने, वो एकदम से ज़मीन पर गिर गया और दर्द से तड़पने लगा। व्हेन सिद्धार्थ सॉ द वाउंडेड बर्ड, जब सिद्धार्थ ने उस पक्षी को देखा, ही पिक्ड इट अप, उसने जल्दी से उसे उठाया एंड जेंटली पुल्ड आउट द एरो, और आराम से उसका जो उसके शरीर में जो तीर घुस चुका था, जा चुका था, उसे बाहर निकाल दिया। ही केयरफुली नर्स्ड द स्वैन टिल इट वॉज बेटर, और तब तक वो उसकी देखभाल करता रहा जब तक कि वो अच्छा नहीं हो गया। देवदत्त वॉज वेरी एंग्री, अब देवदत्त को बहुत गुस्सा आया। ही वेंट अप टू द प्रिंस एंड सेड गिव माई स्वैन बैक टू मी। देवदत्त जो है वो सिद्धार्थ के पास गया और उसने कहा सिद्धार्थ से कि मेरा स्वैन मुझे वापस कर दो। आई शॉट इट, मैंने इसे मारा है, इट बिलोंग्स टू मी, यह है मेरा है। बट सिद्धार्थ रिफ्यूज्ड एंड सेड, सिद्धार्थ ने मना कर दिया और उसने कहा नो, यू ट्राइड टू किल द पुअर बर्ड, तुमने इस पक्षी को मारने की कोशिश की है। इट हैड डन नथिंग टू हार्म यू, इसने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। वाई शुड आई गिव इट बैक टू यू, मैं ये वापस तुम्हें क्यों करूँ। देयर डिसएग्रीमेंट वॉज ब्रॉड बिफोर द रॉयल कोर्ट, और उन दोनों का जो ये बहस थी वो दरबार में पेश की गई। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी द जजेस डिसाइडेड टू गिव सिद्धार्थ द स्वैन, दोनों पक्षों की कहानी सुनने के बाद जो जज थे उन्होंने ये फैसला किया कि जो स्वैन है वो सिद्धार्थ को दे दिया जाएगा। लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड दे सेड, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में से जो जीवन है वो सबसे अधिक अमूल्य है। Whoever saves a life has more right on the creature than the person who tries to take its life. किसी भी व्यक्ति ने, जिसने भी किसी ने किसी की जान बचाई है, उसका हक मारने वाले से ज़्यादा होता है। When Siddharth was 16 years old, his father decided to get him married. जब सिद्धार्थ 16 years का हो गया तो उसके फादर ने डिसाइड किया कि अब मैं इसकी शादी कर दूंगा। At that time, a swambar was arranged for the young princess Yashodhara. उस समय स्वयंवर रचाया जाता था और यशोधरा नाम की एक प्रिंसेस का स्वयंवर था। इन दोज डेज द स्वयंवर वॉज अ प्रैक्टिस दैट अलाउड द यंग प्रिंसेस टू चूज देयर हस्बैंड, स्वयंवर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें प्रिंसेस को, राजकुमारी को, अपने लिए हस्बैंड चुनने का, अपना पति चुनने का अधिकार दिया जाता था। मैनी प्रिंसेस वर कॉल्ड टू द पैलेस ऑफ यशोधराज फादर, बहुत सारे राजकुमारों को यशोधरा के फादर, उनके पिताजी के दरबार में निमंत्रण दिया गया। द प्रिंसेस चूज द जेंटल एंड नोबल लुकिंग सिद्धार्थ टू बी हर हस्बैंड, और जो राजकुमारी यशोधरा थी उसने सिद्धार्थ को अपना हस्बैंड चुना। द रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।